हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑयल। सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी में, ठीक है। एलिमेंट्स ऑयल पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी में, और आज हम एलिमेंट्स ऑयल में कवर करेंगे इसके सिनोनियम्स, डिस्कस करेंगे सिनोनियम्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल सोर्स, जियोग्राफिकल सोर्स, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कौन कौन से केमिकल इसमें प्रेजेंट होते हैं, एंड यूज थेरापेटिक एफिकेसी, ठीक। तो एलिमेंट्स ऑयल जो होता है इसके हम सिनोनियम्स जान लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग है इसके सिनोनियम्स, तो एलिमेंट्स ऑयल के जो सिनोनियम्स होते हैं वो होता है एमिगडाला, एमिगडाला एमेरा, ठीक है। जो सिनोनियम्स होता है इसका वो होता है एमिगडाला एमेरा, ये इसका समान शब्द होते हैं, इसको ये भी कह सकते हैं एलिमेंट्स ऑयल को एमिगडाला एमेरा भी कहा जाता है, ठीक। देन नेक्स्ट हेडिंग इज बायोलॉजिकल सोर्स, तो बायोलॉजिकल सोर्स में ये कहाँ से ऑब्टेंड होता है, तो एलिमेंट्स ऑयल इज अ फिश्ड ऑयल ऑब्टेन बाय एक्सप्रेशन फ्रॉम द सीड्स ऑफ प्रूनस एमिगडालिस फैमिली रोजेसी। तो एलिमेंट्स ऑयल जो होता है ये एक फिश्ड ऑयल है, ठीक है। एलिमेंट्स जो ऑयल होता है जो ये बादाम से हमको प्राप्त होता है, तो ये जो होता है ये एक फिश्ड ऑयल है, और ये कहाँ से ऑब्टेंड होता है, तो ये सीड्स बीज जो होती है बीज में से ऑब्टेंड होता है। प्लांट नेम होता है इसका कौन से प्लांट नेम होता है इसका, प्रूनस एमिगडालिस, और बीज जो होती है सीड्स उसको दबा के, ठीक है, उसको दबा के पीस के जो होता है वो पीस के ऑयल जो होता है एलिमेंट्स ऑयल वो ऑब्टेंड होता है, वो हमको प्राप्त होता है, ठीक। फैमिली कौन सी होती है, तो ये फैमिली होती है बिलोंगिंग टू फैमिली इसकी रोजेसी, ये किस फैमिली के अंदर आता है, तो ये रोजेसी फैमिली होती है, ठीक है। ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स है एलिमेंट्स ऑयल जो होता है ये सीड्स से पाया जाता है, एंड प्लांट नेम इज प्रूनस एमिगडालिस एंड फैमिली इज रोजेसी। देन नेक्स्ट हेडिंग इज जियोग्राफिकल सोर्स, द ऑयल इज मेनली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एलिमेंट्स ग्रो इन द कंट्रीज बॉर्डरिंग द मेडिटेरेनियन, इटली, फ्रांस, स्पेन एंड नॉर्थ अफ्रीका। तो ये क्या होता है कि जो ऑयल होता है ये कहाँ पे हमको प्राप्त होता है, कहाँ पे ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है, मतलब कि एलिमेंट जो होता है कहाँ से हमको प्राप्त होता है, तो ये जो होता है ये मेडिटेरेनियन कंट्रीज में से पाया जाता है, जैसे कि एग्जांपल में इटली हो गया, फ्रांस, स्पेन एंड नॉर्थ अफ्रीका, यहाँ से एलिमेंट्स जो होता है वो पाया जाता है। देन नेक्स्ट हेडिंग इज ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट हेडिंग है ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, तो इसमें कलर पहला फर्स्ट है कलर जो इसका होता है वो ब्राउन होता है, ठीक है। सीड्स का जो कलर होता है बीज का वो ब्राउन होता है। ऑर्डर, तो इसमें ऑर्डरलेस होता है, कोई भी स्मेल जो होती है कोई भी स्मेल नहीं होती है इसमें, ऑर्डरलेस होता है ये। एंड देन नेक्स्ट टेस्ट क्या होता है, तो ये टेस्ट जो होता है इसका बिटर होता है, तीखा होता है। साइज की बात करते हैं, साइज कितना होता है, 20 mm लेंथ, 125 mm विड्थ, 10 mm थिकनेस, मतलब कि 20 mm जो होती है वो लंबाई होती है, 125 mm विड्थ होती है इसकी, और 10 mm थिकनेस मोटाई होती है, मोटा होता है 10 mm बीज जो होती है, ये बीज का इसका साइज है। देन शेप, तो शेप क्या होता है, अवॉइड शेप का होता है, ठीक है, अंडे के आकार का होता है, मतलब सर्कल के फॉर्म में होता है। तो कलर और ब्राउन, ऑर्डर ऑर्डरलेस, टेस्ट बिटर, साइज 20 mm लेंथ, 125 mm विड्थ एंड 10 mm थिकनेस, शेप अवॉइड शेप। देन नेक्स्ट हेडिंग इज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या होता है कि कौन कौन से केमिकल जो होते हैं वो एलिमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं,
और एलिमेंट्स जो होता है वो दो टू टाइप्स के होता है। फर्स्ट होता है हमारा बिटर एलिमेंट्स और सेकंड होता है स्वीट एलिमेंट्स। ठीक है, अब देन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बोथ वैरायटीज ऑफ एलिमेंट्स एलिमेंट कंटेन 40-55% ऑफ फिश ऑयल और अबाउट 20% ऑफ प्रोटीन्स म्यूसिलेज एंड इमल्सिन इमल्सिन। तो ये क्या होता है कि इसमें बोथ वैरायटीज मतलब कि दोनों वैरायटीज में मतलब कि स्वीट एलिमेंट्स में भी और बिटर एलिमेंट्स में भी क्या पाया जाता है, 40 से लेके 55% तक फिश ऑयल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, 40-55% तक फिश ऑयल उसमें प्रेजेंट होता है। देन 20% प्रोटीन उसमें पाया जाता है, म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है एंड इमल्सिन, ये जो होते हैं ये केमिकल्स उसमें मौजूद होते हैं दोनों में, स्वीट एलिमेंट्स में भी और बिटर बिटर एलिमेंट्स में भी। 40-55% जो होता है फिश ऑयल एंड 20% प्रोटीन्स म्यूसिलेज एंड इमल्सन इज प्रेजेंट इन एलिमेंट्स ऑयल। देन नेक्स्ट पॉइंट इज एलिमेंट्स ऑयल कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ ग्लिसराइड्स ऑफ ओलोइक 62-86%, लाइनोलिक 17%, पैलमिटिक 5%, मायरिस्टिक 1% एंड पैलमिटोलिक एसिड एंड पैलमिटोलिक एसिड। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एलिमेंट्स ऑयल में मिक्सचर होता है ग्लिसराइड का। ठीक है, ग्लिसराइड मिक्सचर ऑफ ग्लिसराइड जो होता है इस प्रेजेंट होता है, मतलब कि इसमें एलिमेंट्स ऑयल में ग्लिसराइड्स का मिक्सचर होता है जो वो प्रेजेंट होता है। तो ये कि मिक्सचर जो होता है ये किस किस चीज़ों से बना होता है, तो इसमें कौन कौन से केमिकल ऐड होते हैं जो, तो कौन पहला होता है ओलोइक ओलोइक एसिड जो होता है वो 62-86% प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट लाइनोलिक 17%, पैलमेटिक 5% प्रेजेंट होता है एलिमेंट्स ऑयल में, मायरिस्टिक 1% एंड पैलमिटोलिक एसिड आर प्रेजेंट इन एलिमेंट्स ऑयल। ये इस केमिकल इसमें प्रेजेंट होते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज ऑल्सो कंटेन स्टेरिक एसिड, लाइनोलिक एसिड, एराचिडिक एसिड, गैडोलिक एसिड एंड यूरिक एसिड। बिटर एलिमेंट ऑयल कंटेन बेंजल्डिहाइड एंड 2-4% ऑफ हाइड्रोसैनिक एसिड। तो इसमें क्या होता है कि इट इज इसमें जो होता है स्टेरिक एसिड प्रेजेंट होता है, लाइनोलिक एसिड जो होता है वो इसमें पाया जाता है। ठीक है, स्टेरिक एसिड इसमें पाया जाता है और लाइनोलिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है, ऐसे एराचिडिक एसिड इसमें पाया जाता है, गैडोलिक एसिड एंड यूरिक एसिड जो होता है ये इसमें प्रेजेंट होता है। देन बिटर इसमें जो होता है जो बिटर एलिमेंट्स है दो तरह के होते हैं एलिमेंट्स, तो पहला होता है बिटर, दूसरा होता है स्वीट। तो बिटर वाले में बेंजल्डिहाइड जो होता है वो 2-4% उसमें प्रेजेंट होता है और हाइड्रोसैनिक एसिड भी प्रेजेंट होता है इन बिटर एलिमेंट्स। ठीक है, बिटर एलिमेंट्स जो होते हैं जो कड़वे होते हैं, तीखे होते हैं एलिमेंट्स, और स्वीट होते हैं एक मीठे से एलिमेंट्स होते हैं, उसमें बिटर वाले में बेंजल्डिहाइड प्रेजेंट होता है एंड 2-4% इसमें हाइड्रोसैनिक एसिड मौजूद होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज बिटर एलिमेंट्स आफ्टर मैसरेशन ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ एमाइगडालिन या इट्स अ वोलेटाइल ऑयल दैट इज यूज एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। इसका मतलब होता है कि जो बिटर एलिमेंट्स होता है उसमें उसको मैसिरेशन के बाद जब हाइड्रोलिसिस होती है तो एमाइगडालिन जो केमिकल होता है उसकी जब हाइड्रोलिसिस कराई जाती है तो वो प्रोड्यूस क्या, तो वो प्रोड्यूस करता है वोलेटाइल ऑयल। ठीक है, वोलेटाइल ऑयल जो होता है वो प्रोड्यूस करता है वोलेटाइल ऑयल जो होता है वो प्रोड्यूस करता है और वोलेटाइल का जो काम होता है उस जो ऑयल होता है उसका वो फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक,
जब मैसिलेशन कराया जाता है बिटर एलिमेंट्स का, जब हाइड्रोलिसिस होती है एमाइगडालिन केमिकल की, तो वोलेटाइल ऑयल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। उस वोलेटाइल ऑयल का यूज़ जो होता है वो एज अ फ्लेवरिंग एजेंट किसी भी सब्सटेंस को फ्लेवर देने के लिए किया जाता है, उपयोग किया जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज स्वीट एलिमेंट्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ फूड बट बिटर एलिमेंट्स आर नॉट सूटेबल फॉर दिस पर्पस। इसका मतलब होता है कि जो स्वीट एलिमेंट्स होते हैं, जो मीठे एलिमेंट्स होते हैं, उसका काम होता है वो जो होता है वो यूज होता है एज अ फूड में, ठीक है। उसका जो उपयोग होता है वो फूड में किया जाता है। वो किस में काम आता है? तो वो फूड में काम आता है, ठीक है। वो फूड में काम आते हैं स्वीट्स एलिमेंट्स, एंड बिटर एलिमेंट्स जो होते हैं वो इस पर्पज वो फूड के काम में नहीं आते हैं, वो इसके लिए यूज नहीं होते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द अन सैपनोफ्यूएबल मैटर कंटेन बीटा सिटोस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, ब्रैसी कैस्ट्रॉल एंड टोकोफिरॉल्स, ठीक है। तो इसमें जो अनसैपनिफेबल मैटर जो इसमें प्रेजेंट होता है एलिमेंट्स में, एलिमेंट्स ऑयल में, तो वो कौन कौन से होते हैं? तो पहला हो, फर्स्ट वन इज़ बीटा सिटोस्ट्रॉल। बीटा सिटोस्ट्रॉल इसमें प्रेजेंट होता है, और कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट होता है। एंड नेक्स्ट इज़ ब्रैसी कैस्ट्रॉल। ब्रैसी कैस्ट्रॉल जो होता है वो इसमें प्रेजेंट होता है एज अ अनसैपनोफेबल मैटर में। एंड लास्ट इज टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल जो होता है वो भी इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये अनसैपनोफेबल मैटर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बीटा सिटोस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, ब्रैसी कैस्ट्रॉल एंड टोकोफेरॉल। देन नेक्स्ट हेडिंग इज थेरेप्यूटिक एफिकेसी यूज़। तो एलिमेंट्स ऑयल के यूज़ क्या क्या होते हैं? फर्स्ट पॉइंट इज एलिमेंट्स ऑयल इज़ यूज्ड एज अ लेजिटिव। इसका जो उपयोग होता है एलिमेंट्स ऑयल का वो एज अ लेजिटिव के रूप में किया जाता है, ठीक है। लेजिटिव के रूप में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द वोलेटाइल ऑयल आर यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। इसका जो उपयोग होता है वो एज अ जो इसका वोलेटाइल ऑयल जो हमको प्रेजेंट हुआ था बिटर एलमोंड से एमाइगडालिन केमिकल के जब हाइड्रोलिसिस कराई गई थी, तो वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट हुआ था। उस वोलेटाइल ऑयल का काम क्या होता है? वो फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में काम किया जाता है उसका। तो द वोलेटाइल ऑयल आर यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट। इसका जो यूज्ड होता है वो एज अ फ्लेवरिंग एजेंट किसी भी सब्सटेंस को फ्लेवर देने के लिए किया जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज प्रमोट हेयर ग्रोथ। एलिमेंट्स ऑयल का जो यूज होता है वो एज अ प्रमोट हेयर ग्रोथ, मतलब कि हेयर बाल जो होते हैं उसको स्ट्रॉन्ग करता है। हेयर में हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती है उसमें यूज होता है, ठीक है। बालों को बड़ा करता है, बालों को बड़े करने में इसका एलिमेंट्स ऑयल का उपयोग किया जाता है एंड बालों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज सॉफ्टेंस एंड कंडीशन द हेयर। हेयर को सॉफ्ट करने में एलिमेंट्स ऑयल का यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एलिमेंट ऑयल इज यूज्ड एज अ डिमल्सेंट। तो एलिमेंट्स ऑयल जो होता है वो एज अ डिमल्सेंट के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है एलिमेंट्स ऑयल का। तो डिमल्सेंट क्या होता है? जो जो डिमल्सेंट वो होते हैं जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है स्किन पे, तो उस पे जब किसी म्यूकस मेम्ब्रेन पे या किसी इन्फ्लामेशन हो जाना या इरिटेशन होना, मतलब कि इन्फ्लामेशन सूजन आ जाना स्किन से स्किन पे, ठीक है, स्किन पे सूजन आ जाना या तो इरिटेशन उसमें खुजली होना, उसमें भी एलिमेंट्स ऑयल का उपयोग किया जाता है। उस चीज़ को कहते हैं डिमल्सेंट में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट इज़ यूज्ड इन परफ्यूमरी। ये जो होता है परफ्यूम जो प्रिपरेशन करते हैं, परफ्यूम जो बनाते हैं उसमें भी एज अ एलिमेंट्स ऑयल का उपयोग होता है परफ्यूम बनाने में भी। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ यूज्ड इन स्किन डिजीज़। स्किन की जो प्रॉब्लम होती है, स्किन इचिंग एंड फंगल डिजीज एंड बैक्टीरियल जो जो भी डिजीज़ होती है स्किन से रिलेटेड, उसमें भी एज अ एलिमेंट्स ऑयल का उपयोग होता है।